ये चावल मैंने कल बनाए थे, फ्रिज में रख दिए थे। प्याज टमाटर मैंने कट किए हैं और यहाँ पे घी में बना रही हूँ अभी मैं। छोक हो गया है तैयार, चावल हो गए हैं तैयार, इनको फ्राई कर दिया मैंने दोबारा से। तो इधर मैंने अपने लिए जूस निकाल लिया है, एकदम चिल्ड है। साथ में ये मैं खाऊंगी नाश्ते में। ये नमकीन चावल बासी थे क्योंकि कल बनाए थे मैंने 9 बजे सुबह और अगला दिन आ गया था आज, तो मैंने इसको ना पता है फ्राई भी कर दिए मैंने दोबारा से, लेकिन टेस्ट इतना गंदा हो रखा था ना, मेरे से नहीं खाया जाता बासी खाना। मैंने आज सोचा कि इतना सारा चावल रखा है ख़राब जाएगा, पर अंदर ही नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से ये एक प्लेट ख़त्म करी थी। मेरे को ना स्मेल आने लग जाती है बासी खाने में से, अजीब सी। जैसे जब आप फ्रेश खाना खाते हो ना, उसकी एक अलग ही खुशबू होती है खाने की, एक फ्रेग्रेंस होती है, और वो बासी खाना ना मेरे से नहीं होता, बहुत मुश्किल हो जाता है खाना। तो यहाँ मैंने विहान के लिए ना टिफिन में आज मैंने सेब कट करे, मैंने कहा चावल तो विहान को नहीं दूंगी ये मैं फ्राई वाले, क्योंकि मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे थे खाने में। तो अभी ये देखो मैंने इस तरीके से विहान को टिफिन में मैंने 1.5 सेब कट कर दिया था। अंगूर इसलिए नहीं रखे क्योंकि फिर वो अंगूर खाएगा नहीं विहान। ये किसका चोर है, किसका है? उठ जा उठ जा, होगी सोई सोई, उठ जा विहान उठ जा। अच्छा देख सामने देख 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 यहाँ देख, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। गुड मॉर्निंग, उठ जा बेटा। आज आपको कहाँ जाना है? स्कूल जाओगे ना आज? तो कई दिन छुट्टी मार ली। तो चाहिए क्या? स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। स्कूल आज तो जाना पड़ेगा। कई दिन हो गए, सैटरडे संडे 2 दिन घर पे रह लिए आप, आज तो जाना है स्कूल। कल जाना है? नहीं आज जाना है। नहीं कल जाना है। चुपचाप तैयार हो लो, उठ जाओ जाग जाओ, आ जाओ। इसके काम देख लो, स्कूल के कपड़े पहनाए थे सारे। हर बार क्या करता है, तैयार करती हूँ इसको कपड़े तैयार, इतनी पहले तो इतनी मुश्किल से इसको पहनाती हूँ स्कूल की यूनिफॉर्म, और पहनाते ही ये क्या करता है उसमें बाथरूम कर देगा, कपड़ों में ही बाथरूम कर देगा और कहेगा कपड़े गंदे हो गए अब स्कूल नहीं जाना। देखो अब दूसरे कपड़े पहनाए हैं मैंने विहान को, और इन कपड़ों में, कैजुअल कपड़ों में कभी नहीं करता। इसको पता है इसको बाथरूम करना अच्छे से आता है, ये जानबूझ के स्कूल के ही कपड़ों में ना जैसे तैयार होने के बाद ही बाथरूम करके सारे कपड़े गंदे कर देगा जान करके। मम्मी जब तक खुद से परहेज नहीं करेंगे ना वो ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो शुगर है उनको और वो शुगर को बहुत हल्के में लेते हैं। वो मिठाइयाँ खाते हैं भर भर के और सब कुछ खाते हैं वो जो उनको शुगर की बीमारी में नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से उनको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि शुगर कंट्रोल में नहीं आती है। और यहाँ भी आप देख लो क्या खा रहे हैं, तली हुई वो खा रहे हैं। तो नहीं परहेज करना, इनको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं बात। अगर बात अगर बोलें कि मम्मी ये काम मत करो तो फिर गुस्सा हो जाते हैं, फिर वो बस क्या बोले। तो यहाँ मैं पड़ोस में गई थी आज, सामने कुछ काम था मुझे, तो बातें कर रही थी मैं काफ़ी सारी उनके साथ, सामने जो बैठे है ना सामने वाले हैं उनके साथ बैठ के। अकेले बैठे बैठे भी मन नहीं लगता ना, तो बंदा सोचता है कि चल पड़ोस में किसी के पास बैठ के 2 बातें ही कर लो। तो यहाँ पे उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैं थोड़ा सा कहा कि चलो विहान स्कूल जा रखा है, इतने घर के काम मैं निपटा देती हूँ। और कल रात को ना मेरा ऐसे मेरा नींद ही नहीं आ रही थी। मम्मी की रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगी अभी, शेयर करूंगी, मेरे टेंशन बन गई क्योंकि वही हालत जिसकी मतलब मुझे पता है उस, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि पिछले 8 महीने हो चुके हैं मेरी मम्मी को, पिछले 8 महीने में हर महीने मम्मी को ये यूरिन में इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन हो कैसे जाता है हर बार। मीन्स
प्लीज़ अभी डॉक्टर ठीक कर देंगे मम्मी को, जैसे ही मम्मी का डॉक्टर ठीक कर देंगे उसके बाद फिर अपने आप फिर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, किडनी पे असर पड़ता है इस तरीके से, इन्फेक्शन बार बार आपको हो रहा है, वो भी इतना ज़्यादा, जो वैल्यू 1 पे होनी चाहिए ना, 1 से कम, वो 80-90-100 इस रेंज में है मम्मी की। उनके मम्मी के ना बाथरूम में पस पड़ जाती है, पता नहीं कैसे पस सेल्स बन जाते हैं, और वो उनको ना किडनी पे वो असर करता है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं फिर, वो दवाइयाँ दे देते हैं, दवाइयों से थोड़ा कंट्रोल आता है, नहीं आता तो फिर एडमिट करके सीरिंज के थ्रू वो दवाइयाँ डालते हैं शरीर में, तो उनसे तो एकदम से फ़र्क आता ही है। पर मम्मी का आप देखोगे ना, मेरी मम्मी का चेहरा कितना ढल गया है पिछले दो तीन साल में, और पिछले 8 महीने में बीमारी में तो मेरी माँ का चेहरा ऐसा हो गया है बिल्कुल उतरा, क्योंकि बार बार आपके शरीर में इन्फेक्शन हो रहा हो ना, तो वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं आपको अंदर से सुखा देता है। तो वो चीज़, अब इस चीज़ का इलाज क्या है आप भी बताइए ना। जब मम्मी का परहेज वाली बात है तो वो नहीं मानते हैं बात, वो किसी की भी बात नहीं मानते हैं, वो मतलब मैं अब बोलना नहीं चाहती बट उनको अपनी ज़िंदगी से जैसे मतलब ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। चाहे उनको एक होता है ना इंसान, उसको फ़र्क पड़े कि नहीं मेरे को इन्फेक्शन बार बार नहीं होना चाहिए, मुझे ठीक हो रहना है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं सोचते। उनको लगता है कि इन्फेक्शन होए तो होए बट मैं खाना पीना नहीं छोड़ सकती, मैं मीठा खाना नहीं छोड़ेंगे, तो परहेज ही नहीं करते। ये ब्रेसलेट देखो आप लोग, इस ब्रेसलेट के साथ ना ये चूड़ी है, एक के अंदर एक होती है, और इस ब्रेसलेट के साथ मेरी इतनी यादें जुड़ी हुई हैं ना, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, आज ये मेरे पास कम से कम 14 साल से है। जब मेरा 2010 में 2011 में जब मैं कॉलेज में गई थी ना, उस टाइम शॉपिंग में ख़रीदा था। और इसके साथ ना हम लोग क्या करते थे, इस कॉलेज में बेंच पे बैठे टीचर्स पढ़ाते रहते थे, ये मेरे हाथ में से निकलता था और मेरी फ्रेंड्स और हमारे बीच में रहता था, हम लोग ऐसे ही ऐसे इसके साथ यूँ खेलते रहते थे, टाइम पास करते थे पूरा टाइम कॉलेज में बैठे। इसको इसमें से निकाल दिया, उसमें से उलझी हुई सी चूड़ियाँ है ना, तो इसको देखते ही वो टाइम याद आता है, मेरा कॉलेज टाइम की बहुत ही प्यारी मेमोरीज में से एक है ये। ये देखो आप, ये मेरी मम्मी की रिपोर्ट है, इसमें प्रोटीन 1+ आ रहा है, ये देखो पस सेल 0 से 1 होनी चाहिए, वो 80-90-100 के बीच में आ रही है। एपिथेलियल सेल्स भी देखो 0 से 1 होनी चाहिए, वो भी 4, 5, 6 आ रही है। UTI+ एल्ब्यूमिनूरिया, ये देखो ये 2 लिखी हुई हैं आपके सामने, मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। अभी एक्चुअली मैं पर्टिकुलर तारीख तो मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया पे, बट आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर मेरे भाई की एंगेजमेंट है, गुड़गांव जाना है हमें, तो उससे पहले मम्मी बिल्कुल ठीक तो होने चाहिए ना, ताकि वो फंक्शन अटेंड कर पाए। तो इसके लिए मैंने मम्मी को बोला, मैंने परसों, कई दिन से पीछे पड़ रही थी, मैंने कहा मम्मी एक बार टेस्ट करवा लेते हैं आपका यूरिन का, अगर दिक्कत हुई तो पहले आप ठीक होके फिर आप जाना। तो मम्मी टेस्ट ही नहीं करवा रहे थे, कल जबरदस्ती मैं अपना सैंपल मम्मी से लेके मैं कहा मम्मी दे दो मुझे, मैं एक बार टेस्ट करवा दूं रिपोर्ट। अब आप खुद देख लीजिए मम्मी का क्या हो रहा है ना, कि ये जो यूरिन इन्फेक्शन देखो, पिछले साल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 8 महीने निकल चुके हैं, और पिछले 8 महीने में हर महीने मम्मी को ये इन्फेक्शन हो रहा है, हर महीने। पिछले 8 महीनों में आप मेरी पुरानी वीडियो देखना, अब कम से कम 6 से 7 बार मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हैं। और होता क्या है कि हर बार वही सेम ट्रीटमेंट होता है, मम्मी को पहले दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे वो इन्फेक्शन कम करने का, दवाइयाँ नहीं असर करती हैं, तो इन द एंड फिर सीरिंज लगा के मम्मी को 2-4 दिन एडमिट करते हैं डॉक्टर्स, और वो इन्फेक्शन खत्म करते हैं, ठीक करके भेजते हैं मम्मी को हर बार, और फिर अगले महीने फिर वही उसी कंडीशन पे मम्मी पहुंच जाती है। तो वही है ना कि अगर आप खुद अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे ना, तो यही हाल है। और फिर जो कंडीशन मेरी मम्मी अपने शरीर के साथ करने लग रही है ना, जो खिलवाड़ कर रही है, ये जो अभी बहुत हल्के में ले रहे हैं, आप मेरी मम्मी का वीडियो में देखा करो, चेहरा देखा करो, अजीब सा हो गया है बिल्कुल, बहुत अजीब, समझ रहे हो, अंदर से पता चल रहा है कि अंदर बीमारी है शरीर में। और ये चीज इनको लग रहा है कि चलो अपने आप क्या है, डॉक्टर दवाई दे देंगे हो जाएगा ठीक, उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि ये जो इन्फेक्शन है ना, इनकी किडनी पे असर कर रहा है, बार बार ये किडनी पे अटैक कर रहा है, किडनी इन्फेक्शन बनता है, और इनका प्रोटीन लीकेज हो रहा है 1+ का, मतलब प्रोटीन लीकेज का मतलब होता है कि ये किडनी को खराब करने लग रहा है ये इन्फेक्शन जो इनके हो रहा है यूरिन में। और जो यूरिन का इन्फेक्शन होता है ना, अगर ये गलती से भी ब्लड में चला जाए ना इन्फेक्शन, मतलब ब्लड स्ट्रीम में चला जाए,
तो सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस में तो इंसान बचता भी नहीं है। तो ये जो इन्फेक्शन, जो इस इतना ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, अभी यूरिन से अगर ये बाहर शरीर के दूसरे उसमें पार्ट्स में चला गया ना, तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब फैटल होता है। और ये बात मम्मी को मैं बहुत समझाया, तभी मैंने जब कल रिपोर्ट देखी ना, रिपोर्ट देखते ही मैं भाग के बाइक पे गई हूँ। रात को, संडे का दिन था, इतनी दुकानों पे घूम के मेडिकल से एक दवाई लाई मैं बैक्टीरियल यूटीआई की। मैंने कहा कुछ इतने रात को एक लेंगे डोज, सुबह एक डोज लेंगे, उसके बाद डॉक्टर के जाएंगे। अभी भी बोल रहे, मैंने कहा मम्मी एक बार एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में, अभी दो दो दिन में ठीक हो जाओगे, दो दिन में रिकवरी हो जाएगी। नहीं मान रहे, बोलते नहीं मैं एडमिट नहीं होंगी, मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगी। अब इतना है, ज्यादा इन्फेक्शन है, वो अभी दवाइयों से नहीं होगा ठीक। दो दिन अगर थोड़ा ले लेंगे ना ये मतलब सीरिंज के थ्रू, तो जल्दी रिकवर हो जाएंगी उसके। फिर हमारे फैमिली में क्या है ना कि हमें जाना है गुड़गांव कुछ दिनों में, हमारे जो है भाई की एंगेजमेंट है ठीक है, तो उसकी एंगेजमेंट में मतलब के लिए मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि आप इतना तो अब शरीर बना लो ना, कम से कम आप ट्रैवल तो कर पाओ, आप जा तो पाओ, तो एक बार हो जाओ एक दो दिन के लिए, क्या दिक्कत है। मान नहीं रहे अभी मेरी बात, बोलते नहीं मैं तो दवाई लूंगी, अगर डॉक्टर बोलेगा तो मैं एडमिट होंगी, वरना मैं दवाई लेके वापिस आऊंगी। वो नहीं मानते, पता क्या होता है कई बार ना, एज ऐसी हो जाती है, उम्र ऐसी हो जाती है, बुजुर्ग इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है कि आपकी बात मानेगा ही नहीं, चाहे कोई बात हो जाए हमें नहीं होता। अब मेरी मम्मी का आपको पुरानी वीडियोस देखना, भर भर के गुलाब जामुन खा रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, आप वीडियो में देखना ठीक है, शादी में जाते हैं आइसक्रीम में इतनी खाते हैं, परहेज कौन से कर रहे हैं, भर भर के जलेबी खा रहे हैं, मतलब इनको ये चीज समझ नहीं आ रही है कि बीमार है, इनको परहेज करने हैं। हर वो चीज जो इनको नहीं खानी चाहिए दब के खाते हैं। और फिर पिछले 8 महीने से देखो यार, डॉक्टर मैक्स हॉस्पिटल, जिंदल हॉस्पिटल, आधार हॉस्पिटल, सेवक सभा और भी दिल्ली गुड़गांव के हॉस्पिटल, कहाँ नहीं इलाज कर छोड़ा हमने, लेकिन डॉक्टर जब लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो ठीक होने के लिए एफर्ट खुद से कर नहीं रहे। और अगर मैं मेरी पहले पिछले कुछ महीनों पहले की आप देखना, मेरी मेरी मम्मी के साथ इसी बात पे लड़ाई होती थी कि मैं कहती थी मम्मी परहेज कर लो, ये चीज आपको नहीं खानी, और जब मैं कहती कि नहीं खानी, मम्मा मेरे को उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते थे और मैं टेंशन में चली जाती थी इस बात पे। मम्मी बोलती कि तू कौन होती है मुझे बोलने वाली, ऐसे ऐसे बस ठीक है, जिस वजह से फिर मैंने ही बोलना छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा तो मैं कितना समझाऊं। तो अब उस वजह से देखो अब उनकी कंडीशन क्या है इस टाइम, और जो कंडीशन है अगर इंडिया भी कुछ महीने और अपनी मनमानी करेंगे ना, ये चीजें करेंगे कि नहीं मेरे को परहेज करने, वही सब कुछ खाना पीना है, पानी पीना नहीं है, खूब पानी पीने को बोलते हैं वो नहीं करना परहेज, तो देख लेना इनका जो ये इन्फेक्शन है ना, ये किडनी को खराब कर देगा आने वाले टाइम में, और डायलिसिस पे ना पहुंच जाए, मेरे को ये बहुत डर लगता है इस चीज का। या मतलब बहुत सी चीजें यार, ये बहुत अच्छी बात नहीं है बार बार होना, बट क्या करें, नहीं समझ रहे हैं। अभी भी मैं बोला है कि अभी लैब में से मम्मी आगे लगता है। और एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो कल कमेंट आ रहे थे मुझे कि हाँ तेरी एंगेजमेंट नहीं है, भाई की एंगेजमेंट है, तो मैं बोल देती हूँ मम्मी आ गए हैं। हाँ मम्मी, चाबी लेने आए हो, मैं बाइक पे छोड़ दूं? ना ना, मैं अपने आप चलूंगा। ये पड़ोसी जा रहे हैं? नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जाती, ऑटो जाऊंगा। ऑटो? अच्छा, तो गेट तक ऑटो पे बैठा दूं? ना ना, मैं अपने चले जाऊंगी। देख लो अभी आए थे मम्मा, चाबी दे गए मुझे साथ वाले घर की। मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी मैं बाइक पे चल पड़ते हैं, बाइक पे बैठा लूंगी, यहाँ गेट पे यहाँ से मिल जाते हैं ऑटो, तो बोलते नहीं मैं अपने आप चली जाऊंगी, मान ही नहीं रहे हैं। तो मतलब अभी ऐसी तो है कंडीशन की चल लेते हैं फिर रहे हैं, लेकिन अंदर शरीर में इन्फेक्शन है ना, तो मम्मी गए लगता है। वो लैब वाले को फोन किया था मैंने, क्या करें यार, मतलब चीजें लाइफ में जब अच्छी होने लग रही होती है ना, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। बस मेरे को ये भगवान जी से प्रे कर रही हूँ कि भगवान जी मम्मी ठीक हो जाए इतने एक दो दिन में, दो दिन तीन दिन। और अभी ये फोन भी तो नहीं लेके जाते ना, इनके पास फोन है, पता भी मुझे कैसे चलेगा कि मम्मी को एडमिट किया है या दवाई दे के आए हैं। देखती हूँ अगर मम्मी आ गए थोड़ी देर में, घंटे दो घंटे में, तो समझूंगी कि नहीं किया एडमिट, नहीं तो फिर मैं विहान को जब स्कूल लेने जाऊंगी तब मैं फिर हॉस्पिटल जाऊंगी, विहान को लेके चली जाऊंगी, वहां पता करूंगी फिर क्या बोला डॉक्टर ने क्या नहीं बोला। और मेरी एंगेजमेंट की बात आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि एंगेजमेंट तेरी नहीं है भाई की है, तो देखिए
कौन सी बुक में लिखा है कि एंगेजमेंट भाई की होगी तो मेरी नहीं हो सकती, ये बताइए ना आप लोग। मैंने क्या बोला था कमेंट का, मैं जवाब भी दिया था, मैंने कहा भाई की, अभी फिलहाल भाई की एंगेजमेंट है, उसके बाद मेरी भी होगी एंगेजमेंट। समझ में आई वो चीज़ आपको? तो बस गुड़गांव जाना है तो उससे पहले मम्मी को ठीक करना है और तैयारियां करनी है, पैकिंग शैकिंग करते हैं, जाएंगे फिर हम। तो हमारी फैमिली में इतनी सारी खुशियां आ रही हैं। बाकी हाँ, वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी एंगेजमेंट का, वो आप समझ सकते हो, लेकिन हाँ मैं अपनी ड्रेसेस वगैरह आपके साथ शेयर कर दूंगी कि हाँ मैं क्या पहन रही हूँ, क्या नहीं, मम्मी को मैंने क्या पहनाया, तैयार किया। हम अपनी अपनी वीडियो जरूर बनाएंगे, जैसे मैं अपनी ड्रेसेस की, तैयार होने की, मेकअप की, वो सब मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं ही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।